गांधी एक्सप्रेस, मौर्य एक्सप्रेस, शक्तिपुंज एक्सप्रेस तथा दरबार जिले की एक्सप्रेस माया गोमो चंद्रपुरा होते हुए चलेगी। दिनांक 15/6/2024 इस रूप से होगा, कोई एक्सप्रेस नहीं चलेगी। राहुल सिंह अपने साथी सुमित कुमार वर्मा के साथ रांची से चंद्रपुरा के लिए निकला हूं। हम लोग चंद्रपुरा से धनबाद तक की यात्रा करेंगे उस रेल लाइन पे जो कल इतिहास बन जाएगा। 123 सालों से उस लाइन पे ट्रेनें चल रही हैं, लेकिन कल के बाद, कल मध्य रात्रि 12 बजे के बाद से वो वहाँ से कोई ट्रेन नहीं गुजरेगी। हम लोग अभी रांची पटना ट्रेन से चंद्रपुरा के लिए निकले हैं। हमारे साथ कई सारे यात्री सहयात्री हैं हमारे, हम लोग उनसे बात करेंगे। उन्होंने ये खबरें पढ़ी होंगी अखबारों में और उन्हें इसकी जानकारी होगी, वो इसके बारे में क्या बताएं। हाँ, सुना है मैंने, काफ़ी लोगों से काफ़ी परेशान है, लोग काफ़ी इसको लेके चिंतित भी है। और आज इतने दिनों से ये रेल लाइन चालू थी और अचानक बंद होने से लोगों में जो परेशानी आएगी, प्रशासन को उसके बारे में बिल्कुल अवश्य सोचना चाहिए। स्थिति, उसके हाल को जानने के लिए अब हम लोग चंद्रपुरा पहुंच चुके हैं। अभी हम लोग अभी तुरंत पहुंचे हैं। यहाँ पे हमारे साथ गणेश जायसवाल जी हैं, जो पिछले 10 सालों से चंद्रपुरा रेलवे स्टेशन के बाहर अपनी दुकान लगाते हैं। उनसे हम पूछते हैं कि क्या फ़र्क पड़ेगा इस रेल लाइन के बंद होने से, वो बताएंगे। बताइए गणेश जी। दिक्कत तो होगा ही, दुकानदारी में फ़र्क होगा, दुकानदारी बिक्री प्रभावित होगी आप लोगों की और लोगों की, सबकी बिक्री प्रभावित होगी सबकी। क्या आप लोग क्या क्या चाहते हैं, सरकार क्या करे इसके लिए? इसको तो रोकना ना होगा, रोकना, लेकिन सुरक्षा तो एक बड़ा मुद्दा है ना, लोगों की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, तो उसको फिर रास्ता देखना होगा, उसे वैकल्पिक रास्ता कुछ चाहिए। आप यहीं चंद्रपुरा के रहने वाले हैं, ये क्या आप लोगों को लगता है? बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत, बहुत दिक्कत, धंधा पानी सब रोजगार सब बंद हो जाएगा। आप लोगों की दुकान है सब लोगों की? हाँ हाँ, बहुत दिक्कत, सब यात्री कम हो जाएंगे तो प्रभावित होगा, बहुत दिक्कत। कितनी ट्रेनें बंद होंगी? 19 ट्रेन 18 दिन 36। ये आने जाने के लिए सुविधा तो है नहीं, थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम होगा, बाद में अच्छा हो जाएगा।
बस यही कहना चाहूँगा। 10 साल हमारे चंद्रपुरा पीछे होगी। चंद्रपुरा के लोगों ने अपनी परेशानी बताई। यहाँ के छोटे छोटे जो व्यापारी हैं, जो दुकान लगाते हैं स्टेशन के पास, या स्थानीय लोग जो व्यापार नहीं करते हैं लेकिन दूसरे पेशे में हैं, जो आना जाना होता है या जो रोजगार के लिए यहाँ आते हैं धनबाद से, या यहाँ से धनबाद जाते हैं खतरा जाते हैं, तो इन्होंने आपको अपनी परेशानी बताई। अब हम अगले पड़ाव पे फिर वहाँ के लोगों से जानेंगे वो क्या कहते हैं, उनका क्या नज़रिया है, उनकी क्या ज़रूरत है, क्या सोच है बताएंगे। बताइए आप, आपकी दुकान है, आप बताएं। 20 साल पहले से आगाह किया गया कि आग लगा है, इन लोगों को तो पहले से कुछ सोचना चाहिए था। इन लोगों तो अपने अपने काम से मतलब अपने देखना है खाली, जनता क्या हो रहा नहीं हो रहा, जनता तो सबसे ज़्यादा धनबाद कतरा झरिया सारे लोग व्यस्त हो जाएंगे लोग चंद्रपुरा। मैं भी यही कहना चाहूँगा कि रेल प्रशासन और हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी इस पर पुनर्विचार करके ये ट्रेन को चलाया जाए। अब हम लोग कतरास रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं, जो धनबाद और चंद्रपुरा रेल लाइन का एक तरह से सेंटर पॉइंट है। ये सबसे महत्वपूर्ण स्टेशन है इन दो जगहों को जोड़ने वाला। आज जो आप यहाँ चहल पहल भीड़ देख रहे हैं, कई यात्री रिजर्वेशन करवा रहे हैं, कई यात्री बैठे हुए हैं अंदर में, हम लोग एक बार अंदर से घूम के आ चुके हैं, ये कल के बाद आपको देखने को शायद नहीं, कल के बाद यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। चीज़ें बदल चुकी होंगी, ये स्टेशन, इस स्टेशन पे यात्री नहीं रहेंगे और यहाँ चूँकि रेलवे का परिचालन नहीं होगा, ट्रेनें यात्री ट्रेनें आएंगी जाएंगी नहीं, तो जाहिर सी बात है कि यात्री भी नहीं रहेंगे। तो आइए हम यहाँ इस स्टेशन पे जो लोग हैं उनसे बात करते हैं, जानते हैं उनसे उनके बाद उनसे क्या वो सोचते हैं इस संबंध में। हम लोग अभी कतरास रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर पे खड़े हैं। कई सारे लोग, कई सारे यात्री यहाँ हैं जो टिकट ले रहे हैं अपने अपने गंतव्य के लिए, और हम लोग इनसे जानने का प्रयास करते हैं क्या ये, कुछ लोग रिजर्वेशन करवाने के लिए खड़े हैं, इनसे हम बात करते हैं। या कल से तो आपके रेल लाइन पे ट्रेनों का परिचालन नहीं होगा, कल के बाद से 12 बजे का, तो किस तरह की दिक्कतें आप लोग महसूस कर रहे हैं इस बदलाव से? तो सर बहुत सारे हैं, जैसे कि LAP हमारे ये साउथ में जाती है तो इस रूट से तो नहीं जा पाएगी, और हमारे निश्चितपुर में भी नहीं रुकेगी, उस रूट पे दिया हुआ है, तो सबसे बड़ा समस्या तो यही है सर। क्या है कि साउथ के लिए सबसे पहला ट्रेन वही है हमारे लिए, और भी लोकल जो हम लोग धनबाद से जाते हैं तो उससे भी नहीं जा पाएंगे, ऑटो से जाना पड़ेगा। इनकी शिकायत है हाँ कि एगो टिकट के लिए अब कतरास स्टेशन बंद होने से अब हम धनबाद जाएं वहाँ लाइन में लगे, मतलब पूरा दिन हमको भाड़ा जो पैसा जो ज़्यादा खर्चा होगा सो होगा ही, लेकिन पूरा समय भी हमारा दिन भर का बर्बाद। अच्छा, आप टिकट कटवाने की बात कर रहे हैं? टिकट कटवाने जी, कम से कम 2000 आदमी, हम कतरास में रहते हैं इसलिए जानते हैं, 2000 लड़का कल से वो चोरी या डकैती करेगा, जो ट्रेन में सफ़र से इतना सब्जी लाके दिन भर बेच के जाता था, कल से सबके घर में ताला तोड़ेगा। क्या डिसीजन हुआ है पता भगवान जाने। आप इस स्टेशन पे कितने दिनों से पोस्टेड हैं? हम तो अभी 15-16 साल से। तो इतने सालों में आपका भी एक भावनात्मक जुड़ाव हो गया होगा, और वो जुड़ाव कल के बाद टूटने की स्थिति में होगा, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? प्रतिदिन आप यहाँ बैठते होंगे, बहुत सारे यात्री आपको, कई सारे यात्री आपको जानते ही होंगे, आप यहाँ बैठते हैं तो आप भी कई सारे लोगों को जानते होंगे, एक इमोशनल जुड़ाव हो जाता है किसी जगह पे लंबे समय तक रहने। तो जो भी है हम लोग जो कर रहे हैं अभी, तो हम लोग अपने स्तर से जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, तो जो विभागीय जो हमारे करवा रहे हैं हम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से हम लोग भी तो चले जाएंगे, ये भी ट्रांसफर हो जाएगी, चले जाएंगे, गाड़ी बंद हो जाएगी, यहाँ से आप चले जाएंगे, अभी कहीं भी दे देंगे हम लोग चले जाएंगे, ये तो काउंटर बंद हो जाएगी जी, काउंटर भी बंद हो जाएगी, 15 तारीख के बाद गाड़ी चलेगी उसके बाद बंद हो जाएगी। यहाँ काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं इस स्टेशन पे, और इनका भी एक जुड़ाव है, इनको भी थोड़ा इनके बातचीत से लग रहा है कि एक अफसोस है कि इन्होंने लंबे समय तक यहाँ काम किया है, और अब कल के बाद से ये काउंटर एक तरह से बंद हो जाएगा, यहाँ टिकटें नहीं कटेंगी, यात्री नहीं दिखेंगे, और चीज़ें काफ़ी बदल चुकी होंगी। आइए हम लोग स्टेशन के अंदर चलते हैं। यहाँ पे जितने लोग हैं सब स्थानीय लोग हैं, कुछ यात्री होंगे, कुछ हो सकता है बाहर, लेकिन सबके चेहरे पे इस बात का सिकन है कि कल के बाद इनके इस जो आज ये स्टेशन गुलजार है, कल यहाँ से ट्रेनें नहीं चलेगी,
यहाँ पे यात्री नहीं होंगे, यहाँ पे चहल पहल नहीं होगी और सब कुछ 123 सालों का सफ़र एक झटके में थम जाएगा। कतरास जो अपने जिंदादिली के लिए, अपनी बसावट के लिए और अपनी व्यस्तता के लिए हर समय हर पल व्यस्त रहने के लिए जाना जाता है, वहाँ एक अजीब किस्म का खालीपन, एक सूनापन आ जाएगा।